नमस्कार, मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ इंडिया ब्यूरो और नमस्कार न्यूज में। हमारे देश में पक्षियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है और मुंबई में बहुत सारे कबूतर खाने बंद कर दिए जा रहे हैं, तो इस मुहिम में दीपक सारस्वत बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर जुड़ी हैं कि कबूतर खानों को बंद ना किया जाए। तो यहाँ पर भी ये कबूतर खाना है, काफी सालों से चल रहा है और इसको बंद किया जा रहा है और पक्षियों को धीरे धीरे करके समाप्त किया जा रहा है। तो हम अभी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे जो भी संस्थाएं यहाँ पर है। मुहिम आपने छेड़ी है जिस तरह से कबूतर खानों को बंद कर दिया जा रहा है, तो इसमें आप क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए, मुंबई ने, मुंबई की बीएमसी ने, महानगर पालिका ने जो ये कह सकते हैं, जो ये मुहिम उठाई है कि कबूतर खानों को बंद किया जाए, ये सरासर गलत है, सरासर नाइंसाफी है। हम ये कह सकते हैं कि मानव अधिकारों के लिए हम लड़ जाते हैं, सरकार से लड़ते हैं, कोर्ट बनाए गए हैं, संगठन बनाए गए हैं, सरकार बनाई गई है, लेकिन जीव जंतुओं के लिए कौन बनाया गया है? उसके लिए हम ही कुछ करेंगे। और अगर हम ही मुकर जाएंगे, इनकी दया नहीं करेंगे, इन पर इनको मारने पर उतारू हो जाएंगे, तो बेचारे कहाँ जाएंगे? आज 2 मिलियन के करीब, 20 लाख के करीब पक्षियों की मौत होती है हर साल, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं। तो ये जो अपराध हम कर रहे हैं, जो कत्ल कर रहे हैं इनका, इनको बचाने के लिए हमने मुहिम उठाई है, जिसमें बहुत सारे हमारे भाई लोगों ने साथ दिया है, बहुत सारे संगठन जुड़े हैं। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन सारे संगठनों का, और मैं कहना चाहता हूँ कि लड़े रहिए, क्योंकि पक्षी जीव जंतु हमारे परिवार की तरह, हमारे फैमिली की तरह है। अगर हम इन पर तरस नहीं खाएंगे, हम इन पर दया भाव नहीं दिखाएंगे, तो शायद कल को नंबर हमारा आएगा और हम पर कोई खुदा भी, ईश्वर भी, भगवान भी तरस नहीं खाएगा। आज सबसे पहले मैं सभी भारत के सभी नौजवानों को, पूरे भारत को अपनी तरफ से नमस्कार कहता हूँ। और नमस्कार इसलिए क्योंकि भारत में बच्चा, ये जो भारत की जो संस्कृति आज, वो देखो ना, हर तरफ से, हर तरीके से खत्म होती जा रही है। क्योंकि हम लोग जब सुबह स्कूल जाने के लिए उठते थे, तो चिड़ियों की चहक हमारे कानों में आती थी, तो हम जल्दी उठ के स्कूल के लिए तैयार होते थे। आज वो चिड़ियों की चहक, आज वो पंछियों का उड़ना, आज शाम को कभी नजर जाती है ऊपर तो कोई पंछी दिखता ही नहीं है। तो जैसे कि कई साल पहले ये प्रथा चली थी कि पेड़ बचाओ, पेड़ मत काटो, पेड़ बचाओ, पेड़ मत काटो, अब आप सब ने ये नारा सुना ही है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज मैं ये नारा मारता हूँ हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते कि पंछी बचाओ, पंछी बचाओ, पंछी बचाओ। नहीं कि जो पक्षियों को अभी खत्म किया जा रहा है, खत्म भी नहीं, मतलब कबूतर खानों को ही बंद किया जा रहा है। कबूतर खाने बंद होंगे तो अपने आप पक्षी भी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, तो इसके पीछे कारण क्या है? इससे मुझे नहीं लगता इसके पीछे किसी को कोई नुकसान हो रहा है अगर कबूतर खाने चल रहे, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, पक्षियों को बचाना हम सभी लोगों का कर्तव्य है, समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो पक्षियों को बचाए, और पक्षियों को बचाने से जो है हम लोग भी सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारा भी जो जीवन है वो कहीं ना कहीं पक्षियों से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों काफ़ी, और हमारे तो चाहते हैं, जो कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पक्षियों का जो ठिकाने थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, पेड़ कट गए हैं, और जो पुरानी हवेलियाँ थी वो भी टूट गई हैं, उनकी जगह नए नए वो जगह आ गए हैं, तो वहाँ पक्षी नहीं रह पा रहे, तो वो पक्षी अपना फुटपाथ पे या कहीं भी अपना बसेरा बसा के अपना काम चलाते हैं, उसको भी अगर गवर्नमेंट कर देती तो ये तो सारे मर जाएंगे, इनकी हत्या हो जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इनके लिए एक सुरक्षित जगह बनाई जाए जहाँ ये लोग रह सकें। धीरे धीरे ये सब खत्म होते जा रहे हैं, ये कुछ दिन बाद फोटो में ही हम लोग देख पाएंगे कि ये कबूतर थे, ये गौरैया थी, ये चिड़िया थी, ये बाघ थे, जैसे जैसे खत्म होते जा रहे हैं। और जैसा भी देखा गया, गौरैया भी खत्म हो गई है लगभग, मतलब बहुत कम जगहों पर देखी जाती है। तो एक टाइम पे कहा जाता चिड़ियाओं की चहचहाट वो गौरैया की चहचहाट होती थी, तो अभी कैसा लगता है कि अभी कबूतर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे जिस तरह से गौरैया खत्म हो गई है? हमको बोलने से बड़ा अफसोस हो रहा है, पहले सब मोरनी में उड़ते थे, पक्षी का आवाज सुन के आनंद होता था, अभी ये सब निकल गया। तो सबको निवेदन है, सब नेता लोग को, सब पब्लिक को, कि आप अपने से तरफ से सोचो, अपना स्वार्थ मत देखो, सिर्फ मानव सेवा देखो और अपना कर्तव्य निभाओ, कि सबके लिए, कि सुबह उठने से पहले आप पक्षी का दर्शन करो, उसको पहले ज्वारी डालो, बाजरी डालो, उसके बाद आगे कार्य करो, इसमें किसको नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। ये आप देखेंगे तो नेहरू चाचा के वो टाइम से वो लोग तो कोई गलत नहीं थे, तो आज मेहरबानी करके हाथ जोड़ के विनंती है कि कम से कम कुछ और कुछ ना कर सके तो इसका विरोध ना करें। बस आपके संस्था का नाम? कबूतर मंडल गोरेगांव। हम करीबन 11 साल से 500 कार्यकर्ता सुबह मॉर्निंग में उठ के जाते हैं, हम लोग, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, और उसके लिए कुछ भी इच्छा तो मेरे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कबूतर खाने बंद किए जा रहे हैं, तो इनसे क्या मेन थिंग क्या बिल्डर्स को ही प्रॉब्लम है या और भी लोग शामिल है कबूतर खाने बंद करवाने के लिए? नहीं, जो आप मैडम जो बोल रहे हैं, ये जनरल किसी के ऊपर अपन जा नहीं सकते, ये जनरल पब्लिक का जो सवाल है, पब्लिक बोल रही है कि इनसे नुकसान हो रहा है, मगर इनसे कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जमाने में
आज से 50 साल पहले जब लड़ाई होती थी तो संदेशा भेजने के लिए पुनः कबूतर का चिट्ठी डाल के इनको भेजते थे. इवन चिल्ड्रन एवरीबॉडी गेट्स वास सपोर्ट. That's why only we are here. तो ये जो टावर्स लग रहे हैं, मोबाइल टावर्स लग रहे हैं या फिर बिल्डिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो इनकी वजह से भी आपको लगता है कि ये सब पक्षियों को नुकसान हो रहा है या कबूतर खाने बंद करवाए जा रहे हैं? नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन आज मी या माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांच्या सोबतीने इथे आलेलो आहे. हे केवळ या पक्षी वाचवण्यासाठीच आम्ही इथे आलेलो आहे. आज महानगरपालिकेमधून या बंद करण्यासाठी कबूतरखाने बंद दादरला ॲक्च्युली नोटीस काढलेली आहे, बंद केलेलाच आहे. या ठिकाणी सुद्धा ते लोक येऊन बंद करतील म्हणून आम्ही छोट्याशा प्रमाणामध्ये निदर्शन करतोय की कबुतरांचा जीव वाचवण्यासाठी या कबुतरामुळे किंवा कुठल्याही प्राण्याला कुठच्याही प्रकारचा त्रास होत नाही. आणि माझं निवेदन आहे महाराष्ट्र सरकारला की देवेंद्र फडणवीस साहेबांना की हे कबुतरखाने बंद करण्याचे त्यांनी जे काही नोटीस वगैरे काढलेली आहे ते बंद करून याच्यामध्ये यांना कबूतरखा वाचवण्यासाठी जो प्रयत्न करता येईल तो त्यांनी करावा अशी माझं त्यांना निवेदन आहे सर्व रहिवाशांच्या वतीने. आणि या ठिकाणी जे कबूतर कोणाचाही उपद्रव करत नाही, ते कोणाला चावत नाही किंवा कोणाला कुठल्या प्रकारचा त्रास देत नाही, ते एका साईडला कुठेतरी आपलं अन्न शोधत असतात आणि काही जे दानशूर लोक असतात ते दान देऊन त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत. अशा दानशूर लोकांना सुद्धा परमेश्वर चांगली शक्ती देऊ त्यांना दान करण्याची आणि त्यांचा जीव वाचवण्याची ही माझी परमेश्वराजवळ प्रार्थना आहे. आणि आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जसे देशाचे चौकीदार आहेत तसेच आम्हाला आमच्या गोरेगाव, अंधेरी, मालाड, कांदिवली या विभागामध्ये आम्ही कबूतर वाचवण्यासाठी कबूतरांचे चौकीदार बनून काम करण्याचा आमचा निर्धार आहे. माता की जय, भारत माता की जय.